करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया की देखरेख में गठित किए गए एंटी व्हीकल ऑटो थेफ्ट स्टाफ द्वारा वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के चलते तीन आरोपियों को 10 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता हासिल की गई। यह जानकारी एंटी ऑटो थेफ्ट के स्टाफ के इंचार्ज इंस्पेक्टर रोहतास ने देते हुए बताया कि ग्रीन बेल्ट सेक्टर 6 के समीप साईं बाबा मंदिर के पास से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक अन्य आरोपी को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है। उन्होंने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ की गई, जिसमें 8 मोटरसाइकिल व 2 एक्टिवा बरामद की गई। उन्होंने बताया कि इन आरोपियों द्वारा पिछले दिनों एक वकील से मोबाइल भी छीना गया था। इंस्पेक्टर होतास ने बताया कि एंटी ऑटो थेफ्ट स्टाफ शहर में बढ़ रही वाहन चोरी की वारदातों को रोकने के लिए बेहतर कार्य कर रहा है, जिसके चलते उनको चोरी की वारदात रोकने में सफलता भी प्राप्त हो रही है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि अपने वाहन पर लॉक लगा कर रखे और अपनी देख रेख में ले, ताकि वाहन सुरक्षित रह सके। हाँ जी, क्या मामला? ये हमारा एसपी साहब सुरेंद्र भुड़िया साहब ने व्हीकल थेफ्ट स्टाफ बनाया हुआ है, जिसका इंचार्ज मेरे को लगा रखा है। और हमने 26 तारीख को गुप्त सूचना के आधार पर दो लड़कों को, एक प्रवीण रूप सागर है यहाँ शुगर मिल कटेवा का रहने वाला, एक दीपक है सुनोली जिला पानीपत का रहने वाला, इनको चोरी की मोटरसाइकिल सहित काबू किया था। इनके पास इन्होंने एक वहां से वकील का एक सैर करते हुए साइकिल पे उसका फोन छीना था, फोन भी और मोटरसाइकिल भी वो मिली। उसका हमने इनसे पूछताछ करी तो इनको और भी मोटरसाइकिल ने चोरी करना मानी। एक और दीपक लड़का था यहाँ का नगड़े मेघे का, उसको भी हमने उसी दिन गिरफ्तार किया था। इन दोनों को अदालत में पेश कर हमने पुलिस रिमांड पर ले लिया और दीपक को न्यायालय में भेज दिया। उसके बाद एक और लड़का है विक्रम, जो सनोली का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। दौरान रिमांड से टोटल 10 व्हीकल बरामद हुए हैं, जिनमें 8 मोटरसाइकिल और 2 एक्टिवा हैं, जिनमें 6 तो हमारे करनाल जिले की चोरी हैं, जिनमें मुकदमे दर्ज हैं। चारों के बारे में जांच करें भाई, वो कहाँ से चोरी, क्या कार्रवाई की जाएगी, आज इनको जेल भेज दिया जाएगा। कहाँ से पकड़े गए, कितने लोग हैं ये? ये 4 व्यक्ति हैं, जो साईं बाबा मंदिर के साथ से दो लड़के को पकड़ा, प्रवीण और सागर को। कितने समय से वारदात को अंजाम दे रहे थे ये? ये अभी ताजी इसी महीने की वारदात है सर। तकरीबन कितनी उम्र है सर इनकी? उम्र 19-20 साल बस। तो पहले भी किया इन्होंने किसी तरह से? नहीं, नए हैं ये, फ्रेश हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।